दोस्तों सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखिए, इसमें आपको आसमान में एक बड़ा सा डायमंड शेप का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके बैकग्राउंड में एक एरोप्लेन भी देखने को मिल रहा है, पर सवाल ये है कि आखिर ये डायमंड शेप का ऑब्जेक्ट है क्या? वेल यार, ये है द कार्विन यूएफओ फोटो, जिसे वर्ल्ड्स क्लियरेस्ट यूएफओ फोटो भी कहा जाता है। 4 अगस्त साल 1990 को स्कॉटलैंड के कार्विन नाम की जगह पर दो हाइकर्स ने इस फोटोग्राफ को कैप्चर किया था। अब उन्होंने करीब 10 मिनट्स तक इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया था और उसकी फोटोग्राफ भी ली थी, जिसके बाद वो अचानक से ऊपर की ओर गया और कहीं गायब हो गया। अब उन दो हाइकर्स के अनुसार यह ऑब्जेक्ट करीब 100 फीट लंबा था और यूएफओ ही था। अब उन्होंने इस फोटोग्राफ को स्कॉटलैंड के डेली रिकॉर्ड न्यूज़पेपर को दे दिया, पर न्यूज़पेपर वालों ने इसे पब्लिश नहीं किया। न्यूज़पेपर के एडिटर्स ने इसे पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट के स्टैंड को जानना बेहतर समझा और इसीलिए उन्होंने उस फोटोग्राफ को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंप दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे सीरियसली लिया ही नहीं। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई, पर यह फोटोग्राफ कभी भी पब्लिक के सामने लाई ही नहीं गई। अब यार, इस फोटोग्राफ के एक कॉपी रॉयल एयरफोर्स के प्रेस ऑफिसर क्रेग लिंडसे के पास थी। अब डॉक्टर डेविड क्लार्क, जो एक एकेडमिक जर्नलिस्ट है, जब वो क्रेग लिंडसे के पोजीशन को देख रहे थे तब उनकी नजर इस फोटोग्राफ पर पड़ती है और वो उनसे इसे पब्लिक करने की परमिशन मांग लेते हैं। और इस तरह साल 1990 में खींची गई फोटोग्राफ आखिरकार 32 साल बाद दुनिया के सामने आ जाती है। अब यार, कोई नहीं जानता कि इसको कैप्चर करने वाले वो दो हाइकर्स कौन थे और यह ऑब्जेक्ट असलियत में यूएफओ ही था या नहीं। पर यार, हाल ही में रिलीज हुई इस फोटो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। वैसे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये इस साल रिलीज हुई एकमात्र यूएफओ फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि मई 2022 में इस वाली फोटो ने भी काफी बज क्रिएट की थी। अब इस फोटोग्राफ की कहानी सितंबर 1971 से शुरू होती है। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट एरेनल वॉल्केनो के पास मौजूद लेक पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग कर रही थी और उसकी मैपिंग का काम चल रहा था। अब सेर्गियो लॉइजा नाम के एक मैप मेकर F-680 एयरक्राफ्ट में सवार होकर 10,000 फीट ऊपर से यहाँ की फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। उनका ऑटोमेटेड 100 LV कैमरा हर 20 सेकंड के इंटरवल पर एक फोटोग्राफ लेता था। अब इन्हीं में से एक फोटोग्राफ में हमें ये शाइनी सा मेटालिक डिस्क दिखाई दे रहा है, जिसे यूएफओ कहा जा रहा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कार्विन यूएफओ फोटो की तरह ही इसे भी उस समय पब्लिक नहीं किया गया था। जब ये फोटोग्राफ खींची गई थी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में थी और इतनी क्लियर भी नहीं थी, पर बाद में इसे नेशनल ज्योग्राफिक इंस्टीट्यूट कोस्टा रिका को दे दिया गया, जिन्होंने इस पर रिसर्च तो की पर उसे पब्लिश नहीं किया। फिर मई 2022 में कोस्टा रिका के एक नागरिक एस्तेबान कारांजा को अपने अंकल के पास ये फोटोग्राफ मिलती है और उन्होंने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया। इसे बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ ए यूएफओ एवर टेकन के टाइटल के साथ वायरल किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एलियंस और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है। अब दुनिया भर से हर साल ऐसे हजारों क्लेम्स आते रहते हैं, पर स्पेस एजेंसीज और हमारी गवर्नमेंट्स इसको कभी भी सीरियसली नहीं लेती है, या कहूँ तो जानबूझकर इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब मई 2022 में ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन ने 400 ऐसे इंसिडेंट्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, पर उन्होंने इन्हें यूएफओ इंसिडेंट्स ना मानकर यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना का नाम दे दिया था। अब इससे पहले जून 2021 में भी अमेरिकन नेवी के द्वारा देखी गई 140 यूएफओ साइटिंग्स को यूएपी की कैटेगरी में ही रखा गया था। मतलब कि ये इंसिडेंट्स कुछ ऐसे थे जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। पर हाल ही में 20 जुलाई को पेंटागन ने एलियंस और यूएफओस की खोज को लेकर एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। इस दिन पेंटागन के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जिसके अनुसार अब पेंटागन एक नया ऑफिस ओपन करने वाला है और ये एक्सक्लूसिवली यूएफओ साइटिंग्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए डेडिकेटेड होगा। अब इस नए ऑफिस का नाम AARO यानी कि ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस रखा जाने वाला है। यूएस की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स समय समय पर कई यूएफओ साइटिंग्स का क्लेम करती रहती है
और इस नए ऑफिस में इन्हीं साइटिंग्स को साइंटिफिक वे में स्टडी करने का काम किया जाएगा। अब यार ये एक तरह से सेंट्रल एजेंसी होगी जो UFO साइटिंग्स के सबूत कलेक्ट करने से लेकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करने और उनकी रिपोर्ट्स तैयार करने तक सब काम करेंगी। अब यार इसे सच में UFO और एलियंस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है या फिर पॉसिबल UFO इंसिडेंट्स पर पर्दा डालने के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। अब यार एक और जहां अमेरिका पर हमेशा पब्लिक से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत छिपाने के आरोप लगते हैं, वही अमेरिका के सबसे बड़े कंपटीटर चाइना ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में रिवोल्यूशनरी हो सकता है। अब दोस्तों चाइना के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि उन्हें एलियंस के सिग्नल्स रिसीव हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एलियंस के सिग्नल्स। 14 जून 2022 को चाइनीज गवर्नमेंट का ऑफिशियल न्यूज़पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने अपने पोर्टल पर यह खबर पब्लिश करी कि बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस और उनके एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करते हैं। अब दोस्तों दरअसल चाइना के पास 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप यानी कि फास्ट नाम का एक टेलीस्कोप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है और इसे स्काई आई के नाम से जाना जाता है। साल 2019 में इस टेलीस्कोप की मदद से चाइनीज साइंटिस्ट ने धरती के आसमान का रेडियो सर्वे किया था जिसमें अलग अलग स्टार सिस्टम से आए रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया गया था। अब साल 2020 में जब वैज्ञानिक इस सर्वे से मिले डेटा को सॉर्ट आउट कर रहे थे तब उन्हें इसमें दो नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स मिले। अब साल 2022 में यानी कि इसी साल जब इससे इंसानों के द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स का सर्वे किया गया तो वैज्ञानिकों को एक और नैरो बैंड सिग्नल रिसीव हुआ। नैरो बैंड रेडियो सिग्नल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एमिट नहीं किए जा सकते हैं। अब बात करें हमारी धरती की तो यहाँ पर ऐसे रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स एमिट करते हैं। मतलब हो ना हो इन सिग्नल्स के पीछे कोई ना कोई आर्टिफिशियल सोर्स तो जरूर है और धरती के बाहर आर्टिफिशियल सोर्स का एक ही मतलब होता है, एलियन सिविलाइजेशन। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी क्लियर कर दिया है कि ये रिसर्च अभी शुरुआती स्टेज पर है और वो अभी से किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है जब हमें ऐसे नैरो बैंड सिग्नल्स रिसीव हुए हो। इससे पहले भी अलग अलग स्पेस एजेंसीज को ऐसे सिग्नल्स रिसीव हो चुके हैं पर बाद में इनके पीछे का कारण रेडियो इंटरफेरेंस ही निकलता है। अब दोस्तों अगस्त 1977 को सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि सेटी के तहत ओहायो यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप ने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट को कैप्चर किया था। अब इस वाले सिग्नल को हम वाव सिग्नल के नाम से जानते हैं और इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। अब ऐसा कहा जा रहा था कि ये सिग्नल सेजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन की तरफ मौजूद किसी सोलर सिस्टम से आया था लेकिन बाद में जब स्पेस के उसी रीजन को फिर से स्कैन किया गया तो एस्ट्रोनॉमर्स को वहां पर कुछ मिला ही नहीं। अब भाई अगर वहां पर एलियन सिविलाइजेशन सच में है तो हमें उनके सिग्नल्स फिर से रिसीव जरूर होने चाहिए थे पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। साल 2019 में धरती के सबसे करीब वाले तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के सोलर सिस्टम से भी एक सिग्नल रिसीव हुआ था और ताज्जुब की बात है कि ये भी एक नैरो बैंड सिग्नल ही था। फिर 2 साल तक इसकी स्टडी की गई और फिर ये पता चला कि ऐसा कोई सिग्नल रियलिटी में रिसीव ही नहीं हुआ था और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में आई खराबी के कारण प्रोड्यूस हुआ था। साल 2011 से 2014 के बीच भी एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम को कई सारे नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स रिसीव हुए थे। अब इनके बारे में भी काफी समय तक स्टडीज की गई और जानते हैं बाद में क्या पता चला? वेल, ऑब्जर्वेटरी के पास एस्ट्रोनॉमर्स अपने माइक्रोवेव में खाना गर्म किया करते थे और ये सिग्नल्स उसी माइक्रोवेव से रिसीव हो रहा था। मतलब हद है भाई, हम इंसानों की टेक्नोलॉजी अभी भी काफी इनकम्प्लीट है। अब धरती पर ही हमें कई प्रकार के रेडियो इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है और इसीलिए हमें ग्राउंड टेलीस्कोप से 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अब दोस्तों वापस लौटते हैं चाइनीज साइंटिस्ट को मिले सिग्नल्स पर। दोस्तों 20 जुलाई को जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो ये चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइबो पर तेजी से वायरल होने लगी। लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया और सभी इन सिग्नल्स के बारे में जानने को क्यूरियस हो रहे थे पर तभी न्यूज़पेपर से इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया, वो भी बिना कोई रीजन दिए। अब ऐसा क्यों किया गया? चाइनीज गवर्नमेंट या उनके इशारे पर चलने वाला न्यूज़पेपर तो इसका जवाब नहीं देने वाला
बट आई थिंक कि चाइना ये नहीं चाहता कि वो बिना इन सिग्नल्स की कंप्लीट स्टडी करे इनकी इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने रखे। अब भाई चाइना तो वैसे ही दुनिया भर में अपनी घटिया टेक्नोलॉजी के लिए बदनाम है। क्या पता बाद में पता चले कि एलियन सिग्नल्स रिसीव होने के जो बड़े बड़े दावे चाइना ने कर दिए थे वो किसी सस्ते इंस्ट्रूमेंट का कारनामा निकला। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके राय में एलियंस का होना पॉसिबल है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।